त्रिपुरा में लेनिन का मूर्ति तोड़ा उन्होंने, और फिर भाजपा के नेता के ऐलान पर तमिलनाडु में पेरियार रामस्वामी के मूर्ति पर हमला किया गया। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर अंबेडकर के मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की गई है। तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पूरी तरह हमारे देश में सिर्फ एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 तारीख के रिजल्ट आने के बाद बीजेपी और वहाँ पर जो आतंकवादी संगठन, पुराना जो देश छोड़ने वाला संगठन है जिसका साथ बीजेपी का गठबंधन है, ने मिलकर पूरे त्रिपुरा में हिंसा का वातावरण पैदा किया हुआ है। तमाम वामपंथी कार्यकर्ताओं, जनसंगठन के कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं, उनके घरों पर आग लगाया जा रहा है। अब तक 500 घरों को फूंक दिया है उन्होंने। इतना व्यापक हमला हुआ है, इसका मतलब त्रिपुरा के एक तिहाई आबादी पर हमला हुआ है, क्योंकि ये हर प्रांत, हर जिले में, हर सब डिविजन में, हर तहसील में और हर मोहल्ले में इस तरह के हमले हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये केंद्र स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से 45% जनता को दबाने के लिए जो वाम फ्रंट के साथ है, उनको आतंकित करने के लिए ये हिंसा वहां हो रही है। दे आर थिंकिंग दे हैव कम टू पावर, दे हैव कैप्चर्ड द कंट्री, दे आर डिक्लेयरिंग द डिमाइस ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट, लेफ्ट मूवमेंट। आई वांट बीजेपी एंड आरएसएस, द कम्युनिस्ट कैन बी किल्ड बट ए कम्युनिस्ट कैन नेवर बी डिफीटेड, कम्युनिज्म विल नेवर बी डिफीटेड। दिस द बीजेपी आरएसएस कैन शुड अंडरस्टैंड। ये चाहते हैं कि जिस तरीके से ये आरएसएस आतंक फैला रहे हैं वहाँ पे तुरंत रोक लगनी चाहिए। आज के अंदर की सरकार को हम ये बताने के लिए आए हैं कि कहीं पर भी इस तरीके की ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए, वामपंथियों पे हमले नहीं होंगे, जनवाद पे हमले हम नहीं सहेंगे। और ये साफ साफ आरएसएस और बीजेपी, जो आज मोदी सरकार चुप बैठी है, उसको चुप्पी तोड़ने के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति, हिंसा की राजनीति चलाने की कोशिश कर रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन लेनिन की मूर्ति को गिराया जाना, ये बताता है कि वो मुक्तिकामी जनता के संघर्षों के बिल्कुल साथ नहीं है। उनकी असली मुखालफत इस चीज़ से है कि अगर कोई विचारधारा और कोई नेतृत्व उस जनता को एकजुट करता है जो शोषित जनता है, तो उसके प्रतीकों को ढहाना है। किसी चुनाव में कोई पार्टी पराजित हो तो क्या ये जायज हो जाता है कि उस पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने दफ्तर हैं, उनके दफ्तरों पे, उनके घरों पर आप हमला कर सकते हैं, उनके परिवार के लोगों पर हमला कर सकते हैं, उनको हत्या और बलात्कार की धमकी दे सकते हैं, उनके घरों को आग लगा सकते हैं? अगर ये लोकतंत्र है तब तो भाई तानाशाही का चेहरा कैसा दिखता है, जरा बता दीजिए मुझे। जो दहशत उन्होंने फैलाई है, मतलब ना सिर्फ हजारों हजार लोगों को बेघर कर रहे हैं, लेकिन एक जो बहुत नई चीज वो कर रहे हैं वो ये है कि जिन लोगों ने, खासकर मिडिल क्लास में, जिन लोगों ने सीपीएम को सपोर्ट किया है, उनको फाइन ले रहे हैं उनसे, और वो फाइन है पर फैमिली 10,000 से लेकर 1,00,000 रुपया। और हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो करीब 20,000 घरों में गए हैं, 20,000 घरों से उन्होंने इतना पैसा इकट्ठा किया है। मतलब आप लगाएं, लाखों लाख रुपया वो लोगों से लूट रहे हैं और फाइन के रूप से। तो ये एक्चुअली पूरी तालिबानाइजेशन है। लेनिन एक विचार है, एक विचारधारा है, और उन विचारों को ये खत्म नहीं कर सकते। जिस पूंजीपति वर्ग का ये लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसी पूंजीपति वर्ग के हम खिलाफ हैं, उसी पूंजीपति वर्ग के लेनिन भी खिलाफ थे। हिंदुस्तान के जो हालात हैं कि गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा,
सारी दौलत क्रोनी कैपिटलिज्म के तहत इन्हीं के चेले चपाटे लेकर फरार हो रहे हैं। गरीब किसान के 30,000 रुपये भी माफ़ नहीं होते कर्जे में, तो क्या किया जाए? ऐसे में लेनिन से इनको डर लगता है। संघी ताकतें, फासीवादी ताकतें जान लें कि आप जहां जहां आप हमला करेंगे लोकतंत्र पे, जहां जहां आप हमला करेंगे मजदूरों पर, मजदूरों के आंदोलनों पर, किसानों के आंदोलनों पर, महिलाओं के आंदोलनों पर, दलितों के आंदोलनों पर, शोषितों के आंदोलनों पर, वहां वहां पर वो लड़ने वाले जो लोग हैं वो लड़ेंगे आपके सामने, आपका मुकाबला करेंगे। अपने दिल में लेनिन को, अपने दिल में भगत सिंह को, अपने दिल में अंबेडकर को, अपने दिल में पेरियार को संजोए हुए लोग आपसे मुकाबला करेंगे और आपसे जीतेंगे जरूर।